एम पुष्पेंद्र, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज की हमारी जर्नी होने वाली है दिल्ली के मशहूर लाल किले की। इस ब्लॉग में मेरा साथ देने आए हैं अनिल भाई, जो कि अभी रेडी होने गए हैं। सो गाइस, अभी बजे हैं 7, तो हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाले हैं। यहाँ से हम सीधी मेट्रो पकड़ेंगे लाल किले के लिए। देख सकते हैं ये मेरे बुआ जी के लड़के, ये भी मेरे साथ आए घूमने। तो गाइस, अब हम प्रवेश करने वाले हैं। चलो 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 चलो, थोड़ा धीरे धीरे चलो भाई, धीरे धीरे चलो थोड़ा। तो अनिल भाई अंदर चले फिर चले। अंदर से बहुत ही विशाल है ये। तो अनिल भाई, आपको क्या लगता है, तो मैं चलती भी होंगी? हाँ, अरे इसको बंद कर दिया, चिपका दिया ये। ये ऐसे करके है ना, ये चिपका दिया है ना। हाँ, एक टोप इधर भी लगा रखी है इन्होंने और एक टोप इधर भी लगा रखी है। ये देखिए, ये भी तो से बंद कर रखा है, ये ज्वाइंट कर रखा है इन्होंने। यहाँ पर पार्क भी बहुत बड़े बड़े हैं, अति सुंदर दृश्य। तो गाइस, ये है दीवाने आम, जो कि ये है। गाइस, ये है मुमताज महल। ये है मुमताज महल। अच्छा, बूढ़ी कहाँ गया?
बहुत ही शानदार कारीगरी की गई है इसमें। तो गाइस ये है उस टाइम के हथियार। तीर भी है इसमें पुराने वाले। वीडियो बनाना वैसे मना है इसका, कट्टे हैं ना ये, शॉर्ट गन है ये फ्री फायर वाली। यहाँ पर एक शानदार पेंटिंग की गई है जगह जगह। बहादुर शाह जफर नाना साहेब। संग्रहालय के बारे में तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कितने पुराने खंडर हैं। अनिल भाई, हमारे अनिल भाई आपको कुछ बताएंगे इसके बारे में, थोड़ा बताइए आप। शर्मा ये मत बताइए, मुझे वैसे कुछ नहीं पता इसके बारे में, क्या बताऊँ। परेशान हो गया अनिल जी। ये कुछ बहुत ही पुराने जमाने के चित्र। समझ में नहीं आ रहे हैं क्या ये। तो गाइस बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि लाल किला, चांदनी चौक या चोर बाजार का ब्लॉग बनाने के लिए। तो गाइस इसके बाद मैं चांदनी चौक का ब्लॉग लाने वाला हूँ, फिर उसके बाद चोर बाजार का।